राहत इंदौरी कहते हैं, फैसला जो भी हो हमें मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। असलियत में मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी कहती थी खत्म हो गई, लेकिन कांग्रेस ने भाजपा के ही घर से कांग्रेस खोज ली और जबरदस्त प्रहार किया है। निधि जैन, सुनील जैन के रूप में हम मुखातिब होंगे महापौर की प्रत्याशी जिन्होंने पर्चा भरा है, निधि जैन। एक सवाल बिल्कुल वाजिब है, भाजपा ने कहा कि कांग्रेस खत्म, लेकिन कांग्रेस ने ये जता दिया कि बहुत पुराने दल हैं हम आपके ही घर से कांग्रेस खोज रहे हैं, क्या कहती है? किसी पार्टी के कुछ भी कहने से कुछ होता नहीं है। आप देखिए हमारा पार्टी का कितना बड़ा संगठन है, हमारे वरिष्ठ नेता हैं और कमलनाथ जी के जो विचार हैं वो हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं और संगठन में ही शक्ति होती है। और आपने देखा होगा इतने समय से मैं प्रचार के लिए जा रही हूँ, संगठित होकर हम लोग कार्य कर रहे हैं, कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि कोई असंतुष्ट हो या किसी ने किसी तरह की मांग की हो कि हमारे उस समय 20 साल पहले तो ऐसा हुआ था वैसा हुआ था या कोई कार्य नहीं होता, इस तरह का कोई असंतुष्टि का वातावरण ही हमारे यहाँ नहीं है। एक चीज़ बहुत बार बार शैलेंद्र जैन ने भी कही, आपके जेठ है चूँकि भारतीय जनता पार्टी से, जायज बात है, कहते हैं हमारी पीठ पे कमलनाथ जी ने छुरा भोंक दिया। हम तो ये कहते हैं और जनता कहती है कि जब शैलेंद्र जैन की सियासत की मूंछ की रेख नहीं जमी थी, जब आपके हस्बैंड 1993 में मध्य प्रदेश के सागर के देवरी से विधायक थे, तो ये इस पर क्या कहेंगी? ये टिप्पणी लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही। भाई साहब, हम लोग संस्कारवान परिवार से आए हैं, इस तरह का कोई मसला नहीं है। आप देखिए विजयराजे सिंधिया, उनके पुत्र माधवराव सिंधिया कांग्रेस में थे, विजयराजे जी संघ में थी जनसा, तो ऐसा कोई वो कभी इस तरह की कोई बात ही नहीं। उनकी पुत्रियां यशोधा राजे, विजया राधे, सारे के विचार अलग होते हैं, सबके अलग अलग व्यू होता है, ऐसी कोई हमारे परिवार में कोई बात नहीं है, पूरी एकता के साथ हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो झुंझुना पकड़ाया है, आप देख रहे हैं क्या शहर की दुर्दशा है, एक जोरदार हमला करने की ज़रूरत है, जनता को उम्मीद है, किस तरह से बात करेंगे आप? जनता को बहुत उम्मीद है मुझसे और मैं उसमें खरी उतरूंगी। मैं प्रत्येक वर्ग, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों को बिठा के, सब लोगों का एक ग्रुप बना के, हर वर्ग का एक 5-5 लोगों की एक मीटिंग बुलाऊंगी और वो वर्ग किस तरह से हमें सागर के लिए, विकास के लिए प्रेरित करेगा उसके हिसाब से मैं काम करूंगी। युवाओं को सबसे ज़्यादा जोर दूंगी, महिलाओं को, जो जनशक्ति हमारे पास है उनके लिए काम करूंगी। चूँकि आप खुद समाज सेवी हैं, खुद फ्रंट की राजनीति करती हैं, पति के सहारे नेतागिरी नहीं करते, तो आपका विजन क्या है कि सागर कैसा होना चाहिए, क्योंकि सागर के साथ सभी ने छलावा किया? बेसिक चीज़ आप सही कह रहे हैं भाई साहब कि विजन क्या है। एकदम से आप सोचें कि खुशहाली हो जाए, चौड़ी चौड़ी सड़कें हो जाएं, बहुत अच्छे गार्डन हो जाएं, ये कोई विजन, वो तो सपनों का होता है, सपनों में ऐसा, लेकिन हमें शुरुआत ज़मीन से काम करना चाहिए। हमारा जो ज़मीनी कार्यकर्ता है, आप देखेंगे एक एक वार्ड में किस तरह से काम कर रहा है और उनको पता है कि हमें किस तरह से काम करना है। जिस तरह से मैं उनको प्रेरित कर रही हूँ अभी से कि देखो एक एक वार्ड में जीत हासिल करनी है, तभी आप जाइए किसी भी वार्ड में, अगर आपके सामने गंदगी का ढेर लगा हो और कचरे भरे हुए हैं, नालियाँ भरी हुई हैं कचरों से, तो आपको कैसा महसूस होगा? आप बहुत अच्छे गार्डन में बैठे हों और अपने घर आएँ और सामने कचरे का ढेर होगा तो आपको कैसा प्रतीत होगा, मैं आपसे पूछती हूँ। तो मैं इस तरह का वातावरण नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति का घर साफ हो, उसके आसपास का वातावरण साफ हो, उसका वार्ड साफ हो, तो सागर शहर अपने आप साफ हो जाएगा। एक आखिरी सवाल व्यक्तिगत ज़रूर है और चर्चा, चूँकि घराने सभी के अलग अलग हैं, एक भी घराने की छत के नीचे दो दो दलों के लोग पलते, लेकिन बात सिर्फ वहीं आके अटक जाती है कि शैलेंद्र जैन जी ने ही सागर में विकास की बागडोर संभाली, तो हर प्रहार अगर जाता है तो उन्हीं के खिलाफ जाता है, बिल्कुल साफ गोई से, बिल्कुल साफ अंदाज से उनका नाम लेना पड़ेगा और उन पर ही प्रहार करना पड़ेगा, इसके लिए बिल्कुल तैयार है? नहीं नहीं, ऐसा कोई व्यक्तिगत आप ना सोचें, ना ही किसी विशेष पार्टी का। मैंने बोला मैं एक अलग मानसिकता वाली महिला हूँ, किसी पर प्रहार करके मैं अपना कुछ भला करने का कभी नहीं सोचती हूँ, मेरी बहुत ही पॉजिटिव सोच है, मैं अच्छे अपने कार्यों को करके दिखाऊंगी, अपना जो मेरा कार्य है वो जनता देखेगी,
उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया। आज आप देखिए, जब हम लोग आ रहे थे तो इतने लोग आ रहे जैसे विजयी रथ निकल रहा हो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। तो मैं अपने कार्यों को दिखाऊंगी, तभी आगे कुछ आपको बता पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी निधि जैन, इन्होंने साफ कहा कि वो अपनी स्टाइल में चुनाव लड़ेंगी। और रहा परिवारवाद का सवाल, हम फिर कहते हैं कि सियासत में जब मूछ की रेख नहीं जमी थी शैलेंद्र जैन की, जब उनके छोटे भाई मध्य प्रदेश की देवरी से 1993 में विधायक हो गए, तो ये बात बिल्कुल तर्कहीन है कि जो शैलेंद्र जैन ने पहले अल्फाजों में बात की थी कि कमलनाथ ने उनके घराने में फूट डाली है, तो ये सुहाने गलत है। क्योंकि उम्र में भले शैलेंद्र जैन बड़े हों, लेकिन सियासत में कल भी कद सुनील जैन का बड़ा था और आज भी बड़ा है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ होटल सागर इन, एयर कंडीशनर लग्जरी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल। पता याद रखें, हनुमान मंदिर के पास सिविल लाइन सागर। मोबाइल नंबर 8770942168। We'll be right back.